हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ डीप सी क्रिएचर्स। आज हम जानेंगे फेसलेस कस्क ईल के बारे में। इसे बिना मुंह वाली मछली के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने फेसलेस कस्क ईल को समुद्र की सतह से 13,000 फीट नीचे खोजा था। इसके लीडर डॉक्टर टिन ओहारा ने ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम विक्टोरिया में कहा था, ये दिखने में दोनों साइड पूंछ वाली मछली है। दरअसल इनका मुंह इनके बाकी शरीर के निचले हिस्से में होता है और ये बाहर की तरफ सिर्फ अपना शिकार करने के लिए ही निकालती हैं और फिर से अपनी बॉडी के अंदर गायब हो जाती हैं। इस फिश का नाम इसके एक्सट्रीम छोटे मुंह के अनुसार रखा गया है। इसका मुंह इसके सिर के नीचे होता है। इसके सर पर कोई आँखें नहीं दिखाई देती, पर इनकी आँखें होती हैं जो इनकी त्वचा के छोटे से होल के नीचे होती हैं। इनके दो बड़े नाक भी होते हैं जो इनके मुंह से ऊपर की तरफ होते हैं। इनके सर के दोनों साइड बड़े बड़े छाते की तरह गिल्स होते हैं। इन्हें सबसे पहले 1873 में देखा गया था। आइए चलते हैं हम अपनी दूसरी मछली की तरफ, जिसका नाम है द बैरल आई। इसे सबसे पहले 1939 में खोजा गया था, लेकिन 2009 तक ये साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री भी बनी रही इसके आँखों की वजह से। बैरल आई फिश मुश्किल से 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। इनका बड़ा सा गोल पारदर्शी सिर होता है और इस फिश का कलर ब्राउन होता है। इसके पारदर्शी सिर के वजह से इसके लाइट सेंसेस, ट्यूबुलर आईज और दूसरे ऑर्गन्स जैसे नर्व्स और ब्रेन आराम से देखे जा सकते हैं। बैरल आई फिश के सामने की तरफ जो छेद होते हैं, जो देखने में इसकी आँख होती है, लेकिन वो इसके नाक होते हैं जो स्मेल डिटेक्ट करते हैं। इनकी लाइट सेंसिटिव ट्यूबुलर आइस में ग्रीन पिगमेंट होता है, जिससे सूरज की किरणें इनसे छन के दिखती हैं और ये दूसरी फिश को उनकी अपनी रोशनी से देख पाती हैं। इनके ज़्यादातर शिकार जेलीफिश होती हैं। इनकी ट्यूबुलर आइस ऊपर और सामने की तरफ देखने में सक्षम होती हैं। ये ज़्यादातर अपनी आँखें ऊपर ही रखती हैं, जिससे इन्हें अपने शिकार की परछाई दिख सके। इस जीव के बड़े और चपटे पंख होते हैं जो इन्हें मोशनलेस दिखने में सक्षम बनाती हैं, जिससे इनके शिकार को लगता है कि ये चल नहीं रही है, ये कोई एक मृत जीव है। लेकिन जैसे ही वो इसके आसपास आती हैं, ये उनका शिकार कर लेती हैं। अब हम बात करेंगे घावलिश फिश के बारे में। शार्क और रेस की तरह ही घावलिश सिमायरा के भी स्केलेटन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस प्रूफ करते हैं कि ये मिलियंस ऑफ ईयर से मौजूद हैं। इनका सबसे पुराना नमूना 280 मिलियन साल पुराना पाया गया था, जिसे साउथ अफ्रीका के भूमि के नीचे 1980s में पाया गया था। ये जीव समुद्र में 8,500 फीट गहरे तल पर पाए जाते हैं। ये जीव आर्कटिक और अंटार्कटिक के अलावा सभी ओशंस में रहते हैं। इनकी बॉडी सीधी और मुलायम होती है, एक बड़ा सा सिर और एक गिल्स ओपनिंग। ये 5 फीट तक के ही होते हैं, जिसमें इनकी लंबाई पूंछ भी शामिल है। इनका रंग ब्लैक और ब्राउनिश ग्रे होता है। ज़्यादातर सिमायरा के पास जहरीला स्पाइन होता है जो उनके डोर्सल फिन के सामने होता है। वो इस फिन का इस्तेमाल पानी में उड़ने के लिए करती हैं। तो हमारी इस सीरीज़ में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। धन्यवाद।